हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। सुबह सुबह ये खबर आई है, यानी अब रिया चक्रवर्ती की मुसीबत और बढ़ने को है। एनसीबी लगातार इस मामले में एक्टिव है। ड्रग्स रैकेट को लेकर एनसीबी ने अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन 5 लोगों के अलावा शोबेक और रिया भी इस फंदे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की घर पहुंची है। जब एनसीबी की टीम वहां पहुंची तो हमारे संवाददाता मनोज वर्मा वहीं पर मौजूद थे। रिया के घर के बाहर क्या स्थिति थी, मनोज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम रिया के घर में मौजूद है और एनसीबी की जो टीम है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिया के घर पे पहुंची एनसीबी की टीम। जिस तरीके से लगातार जो चैट थी वो सामने आई है ड्रग्स को लेकर के, और अब एनसीबी की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रिया के घर पे पहुंचे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी ये है और उसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी साथ में है। महिला अधिकारी यहाँ पर साथ में मौजूद है और जो पुलिस है वो पहले आप देख सकते हैं अंदर जा रही है। पुलिस की टीम जो है अंदर जा रही है, पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर वो अंदर जा रहे हैं और जो लोग हैं वहाँ वो मौजूद हैं। अरे हाँ, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, आप देखिए जो टीम है वो यहाँ से अंदर, जो अधिकारी हैं वो यहाँ से रिया के घर पर जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन करने के लिए। जिस तरीके से लगातार चैट लीक हुई थी उसके बाद जो ये अधिकारी हैं वो सर्च ऑपरेशन करने के लिए अब अंदर, ये देखिए रिया के घर की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है बिल्कुल। और जो ये ऑपरेशन है वो यहाँ पर रिया के घर पे किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार चैट सामने आई थी, आपको बता दें कि लगातार चैट सामने आई थी शौविक की रिया के साथ, और उसके अलावा आपको बता दें कि शौविक की जो चैट सामने आई थी उसमें जिसमें वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, जिसमें 6 ड्रग्स पेडलर के नाम भी सामने आए थे। तो अब हाउस सर्च करने के लिए एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर रिया के घर पे पहुंची और पूरे घर को अब सर्च किया जाएगा। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। देखिए लगातार हम आपको इस खबर से जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। ये बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के साथ एनसीबी की टीम इस घर की सर्च के लिए पहुंची है। सर्च के बाद अगर कोई बरामदगी होती है तो निश्चित रूप से रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि अब तक 6 ड्रग हैंडलर्स का शोविक के साथ संपर्क था। ये बात सामने आ चुकी है कि शोविक और रिया के बीच में चैट्स हुई थी ड्रग्स को लेकर। मनोज वर्मा की एक और रिपोर्ट। बड़ी कार्रवाई करने जा रही है एनसीबी की टीम। कैमरामैन आदर्श नायर आपको एक बार फिर से इस बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाएंगे। यही वो बिल्डिंग है जहां पर हाउस सर्च किया जा रहा है और जो एनसीबी की टीम है वो रिया के घर के अंदर मौजूद है और अब सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जाएगा। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। पूरे मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है एनसीबी की टीम, जो कि अब पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती के घर। वहीं की एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। जब एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची थी, आपको सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा जो मौजूदा जांच चल रही है भले ही उसमें सुसाइड या आत्महत्या इसका एंगल साफ ना हो सके, लेकिन रिया की गिरफ्तारी तय है, उनका जेल जाना तय है, क्योंकि उनका ड्रग्स एंगल पर जो जांच हो रही है उसमें कुछ पुख्ता जरूर मिलेगा। एनसीबी पहले ही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है, उसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती, इसके अलावा गौरव आर्य के अलावा अब्बास और करण को भी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और ड्रग पेडलर बासित को भी कल गिरफ्तार किया गया। इस कुल मिला के अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनके ऊपर ड्रग सप्लाई का आरोप है। लेकिन अब सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम का छापा सर्च के लिए पड़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि एनसीबी को इस बात का अंदेशा है कि रिया के घर में कुछ ड्रग्स के और भी आइटम घर में सुरक्षित हो सकते हैं। तो 6:30 से 7:45 के बीच ये छापेमारी की तरह कार्रवाई आप इसे कह सकते हैं, इसका मतलब क्या ये हुआ कि आज कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि इतनी सुबह सुबह एनसीबी की टीम क्यों पहुंच रही है? क्या ये कोई औचक सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पर एनसीबी की टीम देना चाहती है रिया को? क्योंकि साफ तौर पर अब जो चैट सामने आई है रिया और शौबे यानी भाई बहन के बीच, उसमें ड्रग्स कनेक्शन, ड्रग्स को लेकर बातचीत सुनी गई है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी मनोज वर्मा के पास। मनोज, ताजा अपडेट, इतनी सुबह सुबह कैसे?
जी बिल्कुल, देखिए जानकारी हमें रात से ही थी कि जो आज टीम है वो सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आ सकती है, इसलिए एबीपी न्यूज, क्योंकि हमारा ये वादा है कि आपको रखे आगे, हम रात से यहाँ पर मौजूद थे और सुबह सुबह जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। आपको बता दूं टीम के अंदर समीर वानखेड़े मौजूद हैं, समीर वानखेड़े वो शख्स हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मतलब अभी अभी वो एनसीबी में आए हैं जोनल डायरेक्टर के तौर पर। उसके अलावा महिला अधिकारी मौजूद हैं, लोकल पुलिस मौजूद है। जिस तरीके से लगातार जो चैट्स थी वो सामने आ रही थी, शौविक की रिया के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई, उसके अलावा शौविक की बातचीत सामने आई थी जिसमें वो अपने एक दोस्त से बात कर रहा है, ड्रग्स को लेकर के वो बात हो रही है, और 6 ड्रग्स पेडलर का उसमें नाम सामने आया था। तो अब जो टीम है वो अंदर पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इसे हाउस सर्च कहते हैं, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या घर के अंदर किसी प्रकार का कोई ड्रग्स तो मौजूद नहीं है।